हेलो दोस्तों, ये है YouTube वीडियोस वर्ल्ड चैनल। इस चैनल पे मैंने एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं इस सीरीज में क्या होगा कि हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उनके सब्जेक्ट्स के एक एक सब्जेक्ट से करके हम 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में केवल मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ट्राई है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर आगे बनाऊंगा। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे बनाऊंगा। तो एक क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसमें पूछा गया है कि द टर्म नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर माइल्ड स्टील इंप्लाइज, यानी कि एक टर्म है हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेस, माइल्ड स्टील का कर्व है, उसके अंदर एक ये टर्म आता है हमारा, ठीक है। माइल्ड स्टील कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है आपका, कुछ इस तरह से बनता है, स्ट्रेन और ये स्ट्रेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एक टर्म आ रहा है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या है जब माइल्ड स्टील के स्ट्रेस कर्व में। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चार ऑप्शन में से सही कैसे ढूंढ, सही कौन सा होगा हम ये ढूंढेंगे। हम इसको ये याद करने वाला क्वेश्चन इसको याद करेंगे। जैसे कि नॉमिनल मतलब होता है इंग्लिश में, अगर इसका मीनिंग आप डिक्शनरी में देखोगे तो नॉमिनल मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। और आप स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है आपका लोड बाय एरिया। जबकि बार आप टेस्ट करते हो टेंशन फोर्स लगा के, तो उसी का आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो इसमें लोड किसी पॉइंट पे, एक पे लोड तो आपका कॉन्स्टेंट है, बट एरिया आपका दो तरीके से आप एरिया को ले सकते। एक तो वो एरिया लोड लगाने से पहले जो एरिया था, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, ठीक है, ए, या तो आप ए ले सकते हो, या जब हमने टेंशन फोर्स लगाया और जिस पॉइंट पे हम ये नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इसमें कुछ स्ट्रेन आ जाएगी जिसकी वजह से इसका डायामीटर जो है वो छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारी बढ़ गई है। तो ये वाला एरिया ले लेंगे हम ए डैश। तो हमारे पास दो एरिया, एक तो जो हमारा इसकी लेंथ या स्ट्रेन डेवलप होने से पहले एरिया था, और जो स्ट्रेन डेवलप हो गई यानी कि एरिया डिक्रीज हो गया वो एरिया था, ठीक है। तो ए और ए डैश, क्योंकि मैंने कहा कि नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल मतलब होता है स्मॉल, तो आप बताइए स्ट्रेस स्मॉल कब होगी, जब हमारे पास एरिया ज्यादा होगा, है ना। तो ओरिजिनल एरिया को अगर डिवाइड करेंगे, लोड को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस कम आएगी, स्मॉल स्ट्रेस यानी कि नॉमिनल स्ट्रेस। ये याद रखने का तरीका है, ओरिजिनल एरिया यानी कि ज्यादा एरिया यानी कि स्ट्रेस स्मॉल होगी यानी कि नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉमिनल स्ट्रेस क्या होगी आपकी, लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें वो याद भी रहे, और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लेके हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे और वीडियो बनाऊं। ये केवल मैं चेक कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती। थैंक यू।